अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जनाब हमने इस वीडियो में करना है कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो सिर्फ़ एक सिंपल से प्लगइन की मदद से। वैसे तो स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको देखना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा प्लगइन जिसको आप यूज़ कर सकते हो और ईजीली उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो प्लगइन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट है deSaleemi.com। अब इस वेबसाइट की हम स्पीड चेक करते हैं कि इस टाइम ये वेबसाइट कितने सेकंड में ओपन होती है। तो स्पीड टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे पिंगडोम टूल्स गूगल पे, और यहाँ पे वेबसाइट स्पीड टेस्ट आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एक साइड पे URL है और एक साइड पे सर्वर, कौन सी कंट्री का सर्वर आपने यूज़ करना है। मैं इसको फॉर द टाइम USA ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक और इसको करता हूँ स्टार्ट टेस्ट। तो जनाब हमारे पास परफॉर्मेंस ग्रेड जो है वो 88 है, बी है 1.71 सेकेंड फास्टर देन 76%, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने लिस्ट दी हुई है। इसमें अगर आप डिफरेंट सॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, लो टाइम के हवाले से सॉर्टिंग करना चाह रहे हो तो ज़्यादा टाइम जो है वो वेट लग रहा है मेरे सर्वर की तरफ से। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे 204 KB की हमारे पास एक तस्वीर है और उसको रिसीव करने में 236 मिलीसेकंड्स लग रहे हैं। तो काफ़ी फैक्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई स्पीड हमारी इंक्रीज़ होती है उस प्लगइन से कि नहीं। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी WP फास्टेस्ट कैशे, और ये हमारे सामने WP फास्टेस्ट कैशे आ गया। इसको हम करते हैं इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रही है WP फास्टेस्ट कैशे की, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर तो आपको इन ऑप्शंस को जो आगे डिस्क्रिप्शन लिखी है पढ़ के समझ आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रही तो आप इसको करोगे अनेबल प्रीलोड और इसको करोगे आप ओके, सेलेक्ट कर दो आप सबको, ओके करते जाओ। जो जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है फ्री है उसको आप ओके कर दो, सबमिट कर दो। अब इसके बाद हमारी वेबसाइट जो है हम ओपन करते हैं अपनी, और यहाँ पे जाके दोबारा से टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले 1.71 सेकंड था और पेज साइज 967। जी पेज साइज भी हमारे पास कम हो गया, ग्रेड भी हमारे पास ए आ गया, फास्टर देन भी इम्प्रूव हो गया और लोड टाइम भी कम हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड में लोड टाइम था 1.71, उससे 1.44 काफ़ी इम्प्रूवमेंट। अगर आपका टाइम कुछ ज़्यादा सेकंड्स में है, फॉर एग्जांपल 12 सेकंड, 10 सेकंड या 8 सेकंड, तो उसको ये 4 सेकंड तक भी ले आता है, और आपका ग्रेड भी उसने बढ़ा दिया सिर्फ एक सिंपल सा प्लगइन जिसको आप यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ साथ हम एक और प्लगइन की बात करते हैं, फास्टेस्ट कैशे। तो आपके जो भी वेबसाइट है उसका कैशे बना लेता है, मतलब एक बना बना HTML CSS रख लेता है और उसको जल्दी से वो शो करा देता है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट ने आपको एक इमेज सेंड की है जिसका साइज़ है 22 MB, 10 MB, 1 MB, तो इतने बड़े साइज़ की जो इमेजेस होती हैं वो वेबसाइट का काफ़ी टाइम ले लेती हैं। मतलब जो ज़्यादा साइज़ वाली इमेजेस होती हैं वो वेबसाइट की आपकी स्पीड जो है वो कम कर देती हैं, क्योंकि उसको ओपन होने में भी उतना ज़्यादा ही लोड टाइम लगता है। तो उसके लिए इमेजेस के लिए मैं एक प्लगइन रेकमेंड करूंगा जो आपके इमेजेस का साइज छोटा कर देगा। प्लगइन्स में आप जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो आप स्मैश,
इमेज कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल, इसको आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और एक्टिवेट। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इमेज साइजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे आओ कंटेंट साइज बाय कंटेंट टाइप, यहाँ पे इमेज साइजेस हमारे पास हैं जी 413 साइज है, जितनी भी इमेजेस आपकी वेबसाइट में है, ठीक है जी 413। अच्छा ये हमारे पास आ गया आपके पास प्लगइन डब्ल्यूपी स्मैश, यहाँ पे आपने करना है गेट स्टार्टेड, उसके बाद बल्क स्मैश पे आपने क्लिक करना है और आपके सामने लोडिंग बार जो है स्टार्ट हो जाएगी, जितनी भी इमेजेस आपकी मीडिया गैलरी में होंगी उनको स्मैश करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपके सामने स्टैट आ रहा है कि कितनी इमेजेस स्मैश्ड हो गई हैं इस टाइम और उसके सामने कितने केबीज उसने सेव कर दिए हैं। तो इसको आप थोड़ी देर चलने दो ताकि 100% हो जाए, और उसके बाद मैं वीडियो दोबारा ऑन करता हूँ और देखते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आती है हमारी वेबसाइट में। तो जनाब इसने 118 इमेजेस जो है वो स्मैश कर ली हैं और हमारे पास इसने 142.8 KB जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया है इमेजेस का। अब जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखते हैं कोई इमेज क्वालिटी में फ़र्क ज़्यादा आया है कि नहीं, और मुझे तो वैसे का वैसे ही लग रहा है। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट क्या आई है हमारी। हमारे पास 413 KB इमेज साइज जो पहले था और 1.44 सेकेंड और टोटल पेज साइज 881। अब इसको हम करते हैं दोबारा से स्टार्ट टेस्ट। तो जनाब अब आपके पास ग्रेड 96%, लोड टाइम 5 to 4 मिली सेकेंड और पेज साइज भी आपका कम हो गया है, 881 से रिड्यूस हो गया, फास्टर देन 97%। और यहाँ पे पहले दो चीज़ें थी जो कि ऑरेंज थी, अब एक है। और नीचे आओ तो ये देखो ये आपके सामने मुझे भूल गया 417 था कितना था, अब 397 KB साइज है आपके पास। तो आप लिटरली 177 सेकेंड से 524 मिली सेकेंड पे आ गए हो सिर्फ दो प्लगइन्स की मदद से, एक पहला आपका डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैश है और दूसरा डब्ल्यू पी स्मैश। तो ये तरीका आपका बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ करने का। आप फाइवर पे गिग भी सेल कर सकते हो कि आई विल इंक्रीज़ योर वेबसाइट स्पीड, उसमें आप डब्ल्यू पी फास्टेस्ट कैश है डब्ल्यू पी स्मैश लगा सकते हो, या इसी तरह के और भी काफ़ी इमेज ऑप्टिमाइजेशन और कैशे वाले प्लगइन होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी या क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।